Assalamu alaikum. Aziz Hajni Sahab, Nazir Ladakhi Sahab, Paljur Le, Tashi Le, बहुत खुशी हुई एक बार फिर आप लोगों के से मुखातिब हूँ एक बहुत ही उम्दा मौजू के साथ जो कि एथिक्स या अगर हम कहें अखलाकियत इस पे हम कुछ सोच सकें कुछ गुफ्तगू कर सकें क्योंकि ये आज के ज़माने की ज़रूरत है और मुझे खुशी है कि फ्लावरिंग धर्मा ने कल्चरल एकेडमी के साथ मिलकर आज के नौजवान तबके को इस मौजू की तरफ बुलाया है इस पे गौर करने के लिए और जाहिर है कि आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं इसी की जरूरत है एथिक्स वो इल्म जो किताबों से ज्यादा जिंदगी से मिलती है वो हुनर जो हमें सही और गलत को फर्क करना सिखाती है तो वो इल्म वो तालीम वो हुनर एथिक्स है इसके करीब शायद अखलाकियत आती है ये लद्दाखी में हम चुप्पे होता है चुप्पा जानको कहते हैं अगर हम देखें जरा जमाने की तरफ या उसका आईना आज जो मीडिया है जरा अखलाक में क्या हम सूरत आज के जमाने की देखते हैं देखें तो तमाम धांधलियां तमाम गलत बातें हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है और फिर दूसरी तरफ हम ये भी कहते हैं कि आज का जमाना बहुत तरक्की याफ्ता हो चुका है इल्म याफ्ता हो चुका है तालीम याफ्ता हो चुका है मुझे अजूबा लगता है कि इतना तालीम जितना शायद हमारे बुजुर्गों ने पुरखों से कभी हासिल नहीं की थी और सबसे बड़ी गड़बड़ियां भी इसी जमाने में हो रही है जो शायद हमारे बाप दादा कभी न कर पाते उतना बड़ा गबन धांधली आज हो रही है आज हमारे कौम के कहीं बैंक्स बिक रहे हैं तो कहीं यूं कहिए कंपनियां बिक रही हैं कहीं फिर जो हमारे फौज है तो फौज के कहीं तोपों का सौदा हो रहा है तो कहीं हवाई तैयारों का सौदा हो रहा है हर चीज लगता है फॉर सेल है फिर मैं ये सोचता हूं कि ऐसा अनपढ़ तो करते नहीं है तो करते कौन है फिर अच्छे खासी खासे तालीम याफ्ता करते हैं जिन्होंने बड़े बड़े डिग्रियां ली हैं बीए से एमए से पीएचडी से न जाने क्या क्या लंबी डिग्रियां ली हैं वही लोग सबसे आगे होते हैं गबन भी सबसे बड़ा वही करते हैं तो शायद तालीम तरक्की का वजह हो और तरक्की खुशहाली और हम आहंगी और अमन को कहें ऐसा शायद इसलिए हमें गौर करने की जरूरत है कि तालीम कैसी तालीम हम ले रहे हैं क्या इस तालीम से हमारा फायदा हो रहा है या बल्कि नुकसान हो रहा है तो इसलिए बहुत बार मैं सोचता हूं कि बहुत सोच समझ कर हमें ये तालीम क्या हो जिसमें से हमें हर कोई गुजरने को कहता है अगर बिना तालीम के रह जाएं तो अनपढ़ रह जाएं, जाहिल रह जाएं। कभी कभी मुझे लगता है अनपढ़ और जाहिल ही शायद ज्यादा बेहतर हो शायद कोई खुदा हो तो उन्हें आज के जमाने में शायद अनपढ़ और जाहिल ज्यादा मोहब्बत करें उनसे ज्यादा प्यारे हो अगर आप देखें जमाने में क्या हो रहा है तो इसलिए मैं बहुत बार अपने लद्दाख के छोटे भाइयों और बहनों से कहता हूं नौजवान तबकों से कहता हूं
कि मुझे फिक्र नहीं है अगर आप एमए ना करें, बीए ना करें, दसवीं भी ना करें, ये क्वालिफिकेशंस, ये पीएचडी, कोई क्वालिफिकेशन मुझे हैरान नहीं करती है, जब तक कि आप अच्छे इंसान बनने के क्वालिफिकेशन से महरूम ना हो जाएं। ये बड़े बड़े डिग्री हासिल करके जो बुनियादी डिग्री है इंसानियत की वो ही खो बैठे हैं, तो फिर वो एक बड़ा मजाक होगा। जैसे आप जानते होंगे कि स्कूलों में पढ़ाई किस तरह होती है, रट रट के, और इम्तिहानत जो रटा वो उगल के, या फिर रट रट के उगलें, समझ तो वैसे भी नहीं आई, तो फिर एक छोटे से पर्चे पे लिख के लाएं, उसको उगल दें, ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता है। तो हमारे तालीम की निजाम इस तरह है कि हम एक तरह से मजबूर करते हैं बच्चों को कि वो चीटिंग करें, वो धोखाधड़ी करें, या वो नकल से करें, क्योंकि उनको जो जवाब चाहिए उनको तो वही जवाब चाहिए, मेरा जवाब तो चाहिए नहीं, जो किताब में लिखा हुआ है वही जवाब चाहिए, कहां से मैं लाऊं किताब के हर अल्फाज को दिमाग में, लिहाजा एक कुर्सी पे लिख लूं तो क्या बुरी बात है। मैं लद्दाख में बहुत से स्कूलों में जाया करता था, इससे पहले कि हम बदलने लगे किताबों को, तरीकों को, तो एक स्कूल में एक उस्तादनी पढ़ा रही थी और बच्चे जप कर रहे थे, यूं कहिए पीछे पीछे बोल रहे थे, हम अपनी खेती मानसून के बारिश से करते हैं, हम अपनी चावल की खेती मानसून के बारिश से करते हैं, हम अपने चावल की खेती मानसून के बारिश से करते हैं। मैं सुनता रहा और गया बाद में क्लास में, पूछने लगा ये क्या याद कर रहे हैं, तो बोले जो किताब में लिखा है वो याद कर रहे हैं, हम अपनी खेती चावल की मानसून के बारिश से करते हैं, ऐसा तो नहीं होता, किताब में तो यही लिखा है। फिर मैंने कहा कोई बच्चा अगर कल को इम्तिहान में ये लिख दे कि हम अपनी बाली की, गंदम की खेती बर्फ के पानी से करते हैं, वी ग्रो बार्ली विद ग्लेशियल मेल्ट वाटर्स, लिख दे तो क्या होगा, गलत होगा, जीरो मिलेगा। टीचर बोली जो होता है वो लिखने से आपको जीरो मिलेगा, जो नहीं होता किसी किताब में लिखा वो लिखें तब आप पास होते हैं, तो वो तो फिर या रट के या पुर्ची से ही करें। ये हाल है हमारे स्कूलों का। मुझे एक हालत याद आती है, एक टीचर रटवाते हैं, हम रटवाते हैं, माई हेड माने मेरा सर, रटवा रहे, माई हेड माने मेरा सर, तो बच्चा देख रहा था, मास्टर बोल रहे थे माई हेड माने मेरा सर, तो घर पे आके वो पिताजी ने कहा उसको, पढ़ो सबक जो आज सीखा तुमने, बोला माई हेड मैंने मास्टर जी का सर, उसने तो वही देखा, माई हेड मैंने मास्टर जी का सर, एक थप्पड़ मारा बेचारे को, कहा माई हेड मैंने मास्टर जी का सर नहीं, माई हेड मैंने मेरा सर, फिर वो बोला माई हेड मैंने मेरे बाप का सर, माई हेड मैंने मेरे, वो बच्चा समझ के पढ़ रहा था बेचारा, रट नहीं रहा था, माई हेड मैंने मेरे बाप का सर, उसने स्कूल में कहा, तो फिर एक थप्पड़ पड़ा मास्टर से, माई हेड मैंने मेरा सर, अब वो परेशान, उसने एक तरीका निकाला बीच का, बोलने लगा फिर माई हेड मैंने घर में बाप का सर, स्कूल में मास्टर का सर। के पढ़वाएं रटवाएं, तो एक तरह से हम
تربیت دے رہے ہیں غیر اخلاقی کا, مجبور کر رہے ہیں کہ وہ پرچوں پہ لکھ کے لائیں, کیونکہ کیا فائدہ ہے, مجھے کچھ فرق نہیں لگتا ہے. وہ جس کو ہم شاباشی دیتے ہیں, جس نے ذہن میں رٹ رٹ کے اگل دیا, اس کا بھی تین چار دن یا تین چار ہفتے کے بعد کچھ بھی نہیں رہنے والا ہے. یا دوسرا جس نے بیچارے نے سوچا یہ سب کیوں میں پڑھوں, چھوٹے سے پوچھے پہ لکھ کے لے آتا ہوں, وہ دو منٹ میں ختم, یہ دو ہفتے میں ختم. ختم تو دونوں ہی ہوئے, زندگی میں تو کسی کام کا دونوں ہی نہیں. تو ایک طرح سے ہم یہ تربیت چیٹنگ کی اسکول میں ہی شروع کر دیتے ہیں. ہمارا نظام اس طرح کا ہے. اور جب یہ بچے اسکول میں ہی غلط کام کرنے پہ مجبور کر دیے جاتے ہیں, تربیت ایک طرح کی دی جاتی ہے, تو آگے جا کے پھر وہ اپنے دفتروں میں دوسرے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک طرح سے جو کیا کہیں ہم, غیر اخلاقی کاموں کا یا کرپشن کا بیج ہم اسکولوں میں بو رہے ہیں, ایک ایسے نظام کو لے کر جو کسی کام کی نہیں ہے, جس کو ہم بنا سمجھے بنا سوچے کتابی باتیں خوب خوب اسی لفظوں میں رٹ رہے ہیں, سو بار رٹ رہے ہیں, ہزار بار رٹ رہے ہیں, جپ کر رہے ہیں. یہی جپ اگر کسی منتر کا کرتے تو شاید جنم سدھ ہو جاتا دوسرا. اگر ہم اپنی کھیتی مانسون کی بارش کر اگر ہم تم چور جانچ نا, تو اس سے کچھ کسی کا فائدہ نہیں ہونے والا. میرے خیال سے یہ جو نظام جس میں ہم آج پھنسے ہوئے ہیں, میں کہوں گا یہ ہمیں مغرب سے ملی ہے, پشچم کے دیشوں سے ملی ہے, جنہوں نے آج سے کوئی 300-200 سال پہلے جب انڈسٹریل ریولوشن آنے لگا تو ایک طرح کا نظام شروع کر دیا, کلاس روم میں بچوں کو بٹھا کر تھیریٹیکل نالج کی, اور سارا زور صرف ایک دماغی کثرت پر دینے لگے, انٹلیکچوئل ایکسرسائز, جس میں تعلیم کو ہی ان کے ڈیفینیشن میں اگر آپ عام زبان میں مغرب میں دیکھیں, انگلینڈ میں دیکھیں, تو وہ کہتے ہیں 3 R's, ایجوکیشن از دا 3 R's, ریڈنگ رائٹنگ اینڈ ارتھمیٹک. کتنا شیلو ہلکا ایک ڈیفینیشن ہے کہ ریڈنگ کہ رائٹنگ اور ارتھمیٹک, دماغی کچھ چیزوں چند کو گنا لیا, اور شاید اس شخص کو یہ بھی نہیں پتا تھا, اس سے اس کا آپ تول سکتے ہیں بھار کہ ریڈنگ رائٹنگ اور ارتھمیٹک آر سے شروع بھی نہیں ہوتے ہیں, تب بھی 3 R's کہتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے ہلکا اس کو لیا گیا کہ ہماری تعلیم تو ہمیں خود 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 میں سیلف سینٹرڈ ایجوکیشن ہمیں تیار کرتی ہے, تو فرسٹ آنے کے لیے کٹ تھروٹ کمپٹیشن, اوروں سے پہلے میں کیسے جاؤں. یہ تو ہمارے بڑوں کی آبا و اجداد کی تعلیم نہیں تھی, یہ کلاس تو نہیں تھی, مگر یہی ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہمیں ہر جگہ فرسٹ آنا ہے, سب سے آگے جانا ہے, پہلے جانا ہے. اتنا دماغ میں بھر دیا جاتا ہے کہ حال ہی میں ایک میرے کلیگ تھے, وہ کہتی تھی کہ میں تو ہر وقت فرسٹ آئی ہوں, ہر جگہ فرسٹ آئی ہوں میں. ہاں وہ ایک ایئرپورٹ پہ تھے ہم, تو بولنے لگے مجھے پہلے جانا ہے جہاز میں, کیوں میں ہر جگہ فرسٹ ہوتی ہوں, ہر جگہ فرسٹ ہی جاتی ہوں, یہاں بھی میں فرسٹ ہی جاتی ہوں. میں نے کہا ذرا دیکھ لو, لاسٹ جانا بھی بہت انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے, میں تو لاسٹ جاتا ہوں, ہر مسافر کے آخر میں جاتا ہوں, آپ بھی ذرا دیکھیے گا. مگر نظام کی تربیت دیکھیے, ان کو یہ دلچسپ بات لگی کہ ہاں لاسٹ بھی تو جایا جا سکتا ہے, بہت دلچسپ ہے. وہ سوچنے لگی, اگلی بار میں نے دیکھا وہ لاسٹ میں جا رہی تھی, پھر انہوں نے پوچھا گیٹ پہ آر دیئر اینی ادر پیسنجرز آفٹر می, انہوں نے کہا نو میم, تب وہ جانے لگی میں لاسٹ جا رہی ہوں. پھر پیچھے سے دو پیسنجرز آئے تو وہاں وہ بولنے گئی,
You said there were no other passengers. How come there are two more passengers? Last aane mein bhi competition. इतनी तरबियत इतनी कंडीशनिंग हमारे दिमाग की कर दी कि फर्स्ट आना नहीं है तो लास्ट आने में भी मैं ही लास्ट आऊंगा, कोई और कैसे आ गया बनाए, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी का डिमांड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, मगर एक ऐसे यूनिवर्सिटी सिस्टम का जिसमें कि जिंदगी में काम आने वाले तालीम हमें दी जाए। लद्दाख से हैं तो लद्दाख के पहाड़ों में काम आने वाली तालीम दी जाए। क्या फायदा होगा एक यूनिवर्सिटी वहां आ जाए जो वही करे जो दिल्ली में होता है, जो चंडीगढ़ में होता है, जो जम्मू में होता है। आज कमी एक ये है कि चाहे चेरापूंजी की बारिश का इलाका हो या राजस्थान का सूखे का इलाका हो या लद्दाख के पहाड़ का इलाका हो, हर यूनिवर्सिटी एक ही है। तमाम मर्जों की एक ही दवा, मर्ज अलग अलग है, दवा एक ही से कैसे चलेगा। तो ये भी मांगिए कि ऐसा यूनिवर्सिटी हो जो लद्दाख या पहाड़ों के रहने वाले लोगों के मर्ज को खत्म कर सके। तो इस मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। ये भी बता दूं कि जहाँ एक तरफ हम सरकार से मांग करें, हमने सोचा कि जब तक सरकार का नहीं आता है या सरकार अपने तरह का देती है तब तक हम अपने हाथों से जो होता है वो तो करें। तो इसलिए हम एक लद्दाख में ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी, पहाड़ी यूनिवर्सिटी, माउंटेन यूनिवर्सिटी का तश्कील दे रहे हैं, जिसे हयाल, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख कहा जाता है, जो कि पहाड़ों की तालीम पहाड़ों की नौजवानों को दे और हुनर दे, जो कि पहाड़ों में अगर टूरिज्म सयाहत है तो उसका माहिर बनाए आपको, अगर हमारे यहाँ ठंड है तो कैसे सोलर हीटेड होम्स बनाएं उसका हमें इल्म दे, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बाढ़ आ रहे हैं, पानी खत्म हो रहा है तो उसको कैसे एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स की तरह हम करें, और अपने इलाके के मसाइल में अगर हम एक्सपर्ट बने तो हम दुनिया के एक्सपर्ट होंगे उन फील्ड्स में दुनिया के। तो ये इस यूनिवर्सिटी का हम कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी शामिल होइएगा। हम इस अप्रैल से पहला पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप स्टार्ट कर रहे हैं और लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए इस साल स्कॉलरशिप्स हैं सबके लिए। तो आप इस हयाल या हिमालयन इंस्टीट्यूट को इंटरनेट पे देखिएगा, एप्लीकेशन प्रोसेस देखिएगा, आप लोगों को इसमें शिरकत होके अपने माहौल के एक्सपर्ट बनके, किसी जर्मन या अमेरिकन से हमें नहीं सीखने की जरूरत होनी चाहिए कि पहाड़ों का ख्याल कैसे करें, हम एक्सपर्ट बनके क्यों ना अफगानिस्तान से नेपाल के पहाड़ों में लोगों को कैसे ख्याल करें अपने पहाड़ों का वो सिखाने जाएं।